अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वलजार दिल क़ुर्बा वलजार जुनूब वस्साहिब बिल जंब वबन सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़खूरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कुरान मजीद की एक आयत मुबारका की तिलावत की है। एक आयत में मुतअद्दद अहकाम बयान हुए। इरशाद फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। वबिदिल क़ुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। वल यतामा वल मसाकीन, और यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो। वलजार दिल क़ुर्बा वलजार जुनूब वस्साहिब बिल जंब, और करीब के पड़ोसी और दूर के पड़ोसी और पहलू के साथी के साथ अच्छा सलूक करो। वबिन सबील वमा मलकत ऐमानुकुम, और मुसाफिर के साथ और अपने ग़ुलामों बांदियों के साथ अच्छा सलूक करो। यह आयत मुबारका का तर्जुमा है, और इस तर्जुमे से ये वाज़े हो जाता है कि इस एक आयत में कितनी बातें इरशाद फरमाई गई। अगर इसे दो हिस्सों में तकसीम करें तो पता चलता है कि इसका पहला हिस्सा वो है जिसे अल्लाह के हुकूक कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा वो है कि जिसे बंदों के हुकूक कहा जाता है। पहला हिस्सा हुकूकुल्लाह है, दूसरा हुकूकुल इबाद। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, ये अल्लाह का हक है। माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों मिस्कीनों के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, ये लोगों का हक है। हमारे दीन के अंदर ये दोनों तरह के हुकूक की पूरी तफसील है, और बहुत मरतबा ऐसे होता है कि जो बंदों के हुकूक हैं इसका मुआमला अल्लाह के हुकूक से भी बढ़ जाता है। हदीस मुबारक में फरमाया गया कि क़यामत के दिन जो बंदों के हुकूक हैं ये अल्लाह ताला अपने तौर पर मुआफ़ नहीं फरमाएगा। जो अल्लाह के हक़ हैं उसके अंदर मुआफ़ी हो सकती है, लेकिन जो बंदों के हुकूक हैं, जो किसी का हक़ मारा, जो किसी का हक़ अदा नहीं किया, फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ख़ुद इसकी मुआफ़ी नहीं देगा। कहा यह जाएगा कि जिसका हक़ है उससे जाके मुआफ़ी मांगो। अगर वो बंदा मुआफ़ कर देगा तो मुआफ़ी होगी, वरना इस ज़्यादती करने वाले आदमी की नेकियां उस मज़लूम के नामा अमाल में डाल दी जाएंगी, तो यूँ उनका हिसाब बराबर किया जाएगा। तो ये हुकूकुल इबाद का मामला है। अब एक एक लफ्ज़ के ऊपर कलाम करता हूँ। फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। इबादत के दो मतलब बनते हैं। एक मतलब तो ये है कि अल्लाह को माबूद मानो, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना मानो। माबूद अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह को माबूद मानो और उसके साथ किसी दूसरे को शरीक ना करो। और ये माबूद मानने के अंदर फिर जो उसके असरात के एतबार से पहलू है, वो ये बनता है कि जब अल्लाह को अपना माबूद माना तो अब अपनी शदीद तरीन मोहब्बत भी अल्लाह के लिए कर दी जाए, अपना डर और खौफ भी अल्लाह के साथ वाबस्ता कर दिया जाए, अपना भरोसा और एतमाद भी अल्लाह के साथ जोड़ दिया जाए, मोहब्बत खुदा के साथ जोड़ दें। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो ईमान वालों की जो सबसे ज्यादा मोहब्बत है वो अल्लाह के साथ। खौफ और डर ये भी खुदा के साथ वाबस्ता हो कि बंदे का डर और खौफ अल्लाह के लिए हो। अल्लाह ताला फरमाता है फला तखशौहुम वखशौनी, फरमाया तो लोगों से ना डरो मुझसे डरो। तो डर, खौफ, मोहब्बत, इसका जो आखिरी दर्जा है वो रब के साथ कर दिया जाए। तीसरी बात तवक्कुल और एतमाद। अल्लाह ताला फरमाता है व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह ही पर तवक्कुल करो और अल्लाह ही पर भरोसा करो और अल्लाह ही पर एतमाद करो अगर तुम ईमान वाले हो। तो जो फरमाया कि वअबुदुल्लाह, और अल्लाह को माबूद मानो, उसके सिवा किसी को माबूद ना मानो। और फिर जब उसे माबूद मान लिया तो अब अपने जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं, जो अपनी आरज़ुएं और तमन्नाएं हैं, अब उनका रुख भी अल्लाह की रहमत और अल्लाह की ज़ात की तरफ फेर दिया जाए। ये इबादत का एक माना है और इसका ताल्लुक हमारे एतिक़ाद के साथ। इसका एक दूसरा माना बनता है अल्लाह की इबादत करो, कि इबादत के जितने काम हैं वो अल्लाह के लिए मुख्तस कर दो। अल्लाह ने अपनी इबादत की जो चीज़ें मुकर्रर की हैं उनको अदा करने वाले बन जाओ। अब अल्लाह की इबादत क्या है? नमाज अल्लाह की इबादत, रोज़ा अल्लाह की इबादत, ज़कात अल्लाह की इबादत, हज अल्लाह की इबादत, कुरान की तिलावत अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र करना अल्लाह की इबादत। तो फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, कि ये जितने इबादत के काम हैं ये सारे के सारे अल्लाह के लिए करना शुरू कर। तो गोया जो पहला हुक्म है वो अल्लाह की इबादत के हवाले से हुआ। दूसरी बात फरमाई वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। शिर्क के भी दो माना है और इसकी दो किस्में होती हैं, एक है शिर्के जली और एक है शिर्के खफी। शिर्के जली यह है कि जैसे खुदा को माबूद माना ऐसे किसी और को भी माबूद मान लिया जाए, कि अल्लाह वाजिबुल वजूद है किसी और को वाजिबुल वजूद मान ले, अल्लाह इबादत का मुस्तहिक है किसी और को इबादत का मुस्तहिक मान ले, अल्लाह खालिके कायनात है किसी और को खालिके कायनात मान लिया जाए। ये वो है कि जो शिर्के जली है, शिर्के अकबर है। दूसरा शिर्के खफी। शिर्के खफी ये है कि अच्छा अमल किया जाए लेकिन उसमें अल्लाह की रज़ा के साथ मखलूक की रज़ा जोड़ दी जाए। कोई अच्छा अमल इसलिए किया कि अल्लाह भी राज़ी हो जाए और साथ में ये भी है कि ज़रा लोग भी राज़ी हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में भी अच्छा बन जाऊं और लोगों की नज़र में भी अच्छा बन जाऊं, जिसे रियाकारी कहते हैं। तो शिर्क की दोनों सूरतें मना। फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। जो शिरके जली है इससे तो अल्हम्दुलिल्लाह के मोमिन महफूज होते हैं। अल्लाह ताला ने इस उम्मत पे ये करम किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, और मैं अल्लाह की कसम ए लोगो मुझे तुम पर यह डर नहीं कि मेरे बाद तुम मुशरिक हो जाओगे, मेरे बाद शिरक में पड़ जाओगे, मुझे इसका डर नहीं। हाँ, तुम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाओ। तो लिहाजा जो शिर्क का मामला, शिर्क जली का, उससे तो फरमा दिया गया कि शिर्क जली के अंदर ये उम्मत मुब्तला नहीं होगी। अब रहा शिर्क खफी का मामला, रियाकारी का। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा ये चाहता है कि अपने रब से मुलाकात करे और वो मुलाकात रहमत वाली हो, वो रब की करम नवाजियों वाली हो, वो रब की मेहरबानियों वाली हो, वो रब के इनामात वाली हो, तो उसे चाहिए कि अपने नेक आमाल में किसी और को शरीक ना करे। नमाज पढ़ी तो अल्लाह के लिए, इसलिए नहीं कि लोग मुझे नमाजी समझे। तहज्जुद पढ़ी इसलिए कि तहज्जुद पढ़ना खुदा के करीब कर देता है। तहज्जुद पढ़ना अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का जरिया है। तहज्जुद के सन्नाटे में रहमत इलाही की बारिश होती है, दिल और ज़बान एक दूसरे के मुवाफिक हो जाते हैं, सुकून कल्ब नसीब होता है, खुशू खुशू बढ़ जाता है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, बेशक रात का उठना फरमाया कि नफ्स को दबाने वाला है और उस वक्त नमाज पढ़ने में बात बहुत अच्छे तरीके से निकलती है, दिल और ज़बान मुवाफिक होते हैं। तो अगर किसी को तहज्जुद का तजर्बा हो तो उसे मालूम होगा कि जो लज्जत नमाज तहज्जुद में मिलती है वो किसी और नमाज में नहीं मिलती। रहमतों की ऐसी बारिश और ऐसी बरसात होती है, अल्लाह की ऐसी करम नवाजियाँ होती है, एक कुर्ब का एहसास होता है, एक पता चलता है कि बंदा अपने रब की बारगाह में हाजिर है और इस वक्त उसके और उसके रब के दरमियान कोई हाइल नहीं, कोई रुकावट नहीं है। तो अब तहज्जुद इसलिए हो कि जो रब की रहमत की हवाएं चल रही हैं उन हवाओं से फैज़याब हो, ना ये कि इसलिए कि लोग उसे तहज्जुद गुजार समझें, लोग उसे नेक समझें, लोग उसे पारसा समझें। इसी तरह अल्लाह की राह में माल खर्च करना है तो माल खर्च करने का मकसद इल्लबतिगाअ वजहि रब्बिहिल आला, अपने रब्बे आला की रज़ा की तलाश, अपने रब्बे आला की रज़ा की तलाश। ये नहीं कि लोग सखी कहें, ये नहीं कि लोग बड़ा उसको बड़ा अच्छा कहें और बड़ा दिल वाला कहें और बड़े खुले खुले दिल वाला कहें, ये नहीं। तो फरमाया कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करो। इसके बाद फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अब यहाँ से जो चैप्टर शुरू होता है ये हुकूकुल इबाद का है, कि बंदों के हुकूक का है। वैसे तो हमारा मामला ओवरऑल ऐसा है कि हुकूकुल्लाह के अंदर भी हम कमज़ोर और हुकूकुल इबाद में से दोगुने कमज़ोर। ना नमाजों का वो शौक़, ना नमाजों की आदत, ना नफली सदक़ात का शौक़, ना तिलावत हमारा मामूल, ना ज़िक्र इलाही हमारी ज़बानों पे जारी, ना दुरूद पाक हमारे मामूलात ज़िंदगी में, ना ये सब्र व शुक्र वाले मामला हमारे अंदर है। तकलीफ़ आए तो शोर मचाना, नेमत मिले तो शुक्र ना करना, नेमत का मौका आता है, खुशी का मौका आता है तो गुनाह में पड़ जाना, शादी का मौका है तो गाने बाजी में पड़ जाना, और मुसीबत आ गई तो हर एक को बताते फिरना, बेसब्री करना। तो जो इबादत के मामलात हैं हमारे वो भी कमज़ोर, हुकूकुल्लाह के मामलात भी कमज़ोर। लेकिन अफसोस ये है कि जो हुकूकुल इबाद के मामलात हैं, जो बंदों के हुकूक हैं, उसके अंदर हम वर्ष से वर्ष की तरफ जा रहे हैं। इंसानी ज़िंदगी की कदर व कीमत क्या है, दूसरे शख्स की जान व माल की कदर व कीमत क्या है, किसी का एहसास करना क्या है, किसी की इज्जत पे निगाह ना डालना ये क्या चीज़ है, किसी के माल को नुकसान ना पहुँचाना, किसी की जान को नुकसान ना पहुँचाना, ये कितनी अहम चीज़ें हैं। ये हमारे दिलो दिमाग से ऐसे मिटती जा रही हैं और दूर होती जा रही हैं कि जिसके नताइज हम अपने मुल्क के अंदर और अपने मुआशरे के अंदर देखें। पता चल रहा है कि हमारे यहाँ इंसानी जान की कीमत कितनी, हमारे यहाँ किसी के हवाले से कितनी सेंसिटिविटी है, हम कितना जो है वो इंसानियत के ऊपर थोड़ा सा समझने बूझने वाले। अब ये मामलात ऐसा नहीं होता कि पहले दिन बंदा कातिल ही बनता है, ऐसा नहीं होता। छोटे छोटे मामलात के अंदर हुकूकुल इबादत तलफ करना, बर्बाद करना। पहले दिन बंदा लाखों करोड़ों की चोरी डकैती नहीं करता, पहले दिन हो सकता है पेंसिल ही चुराता हो, पहले दिन हो सकता है कि 10 रुपये चुराता हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बड़ा चोर बनता है। करप्शन करने वाला पहले दिन अरबों की करप्शन ही कर देता, वो पहले 100, 200, 400 रुपये की करप्शन ही शुरू करता है। फिर जब नफ्स मोटा हो जाता है और दिलो दिमाग के ऊपर हराम छा जाता है तो उसके बाद फिर लाखों करोड़ों भी उसके लिए बराबर हो जाते हैं, फिर उसका दिल नहीं भरता, फिर कब्र की मिट्टी भरेगी। तो जो इंसानी जान की कदर व कीमत है और जो दूसरे लोगों का हक है और जो अल्लाह ताला ने ये अफराद का बयान किया है, मजमूई तौर पे हमारी जो हुसासियत है वो उसके हवाले से नहायत कम होती जा रही। तो अल्लाह ताला ने एक एक रिश्ते को बयान किया। अगर मजमूई इंसानियत को देखें तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है मन क़तला नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दी फ़कअन्नमा क़तला नास जमीआ। फरमाया कि जिसने एक जान को कत्ल किया बगैर किसास के और बगैर फसाद फ़िल अर्द के, एक जान को कत्ल किया, वो ऐसा है जैसे रुए ज़मीन के सारे इंसानों को कत्ल कर दिया, जिसने एक जान को कत्ल किया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर एक बंदे के कत्ल में सारी ज़मीन के लोग भी शरीक हो जाएं, एक बंदे के कत्ल में सारी रुए ज़मीन के लोग शरीक हो जाएं, अल्लाह ताला सबको जहन्नम में डाल दे, सबको औंधे मुँह जहन्नम में डाल दे। यह इंसानी जान की कीमत, और जो इंसानी आबरू की कीमत है वो इससे भी ज़्यादा है। इंसानी आबरू की कीमत है वो इससे भी ज़्यादा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया तो मैदान अराफात के अंदर जो आपने खुतबा दिया, उस खुतबे के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, ये आज का दिन, हज का दिन, योम अराफा, ये आज का दिन हुर्मत वाला, ये महीना जुल्हिज्जा का हुर्मत वाला, ये मकाम हरम का हुर्मत वाला, फरमाया कि इन सब से बढ़कर किसी मुसलमान की जान और इज्जत की हुर्मत है, इससे बढ़कर किसी की जान और इज्जत की हुर्मत है। गोया एक बंदे की इज्जत की धज्जियां अगर उड़ाई तो ये समझ ले कि मैदाने अराफात की हुर्मत को पामाल किया, जुल्हिज्जा के महीने की हुर्मत को पामाल किया, हुदूदे हरम की हुर्मत को पामाल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, खाना काबा के सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि काबा तेरी बड़ी हुर्मत है, तेरी बड़ी इज्जत है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में एक मोमिन की जान और उसकी इज्जत का मकाम तेरी हुर्मत से ज़्यादा। अल्लाह की बारगाह में मुसलमान की जान की जो कदर व कीमत है वो खाना काबा से ज़्यादा। तो ये है इंसानी जान की अहमियत। और इसका, अब इसका एक असर देखें कि हमारे दीन के अंदर क्या है कि जब दो बंदे आपस में मिले तो क्या हुक्म है, सलाम करें। जब दो बंदे आपस में मिले, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो। और उलमाए किराम ने फरमाया कि इसमें नियत क्या करें कि तुम पर सलामती हो, किस चीज़ से सलामती, किस चीज़ से। फरमाया कि नियत ये करे कि ए मेरे भाई, तेरी जान, तेरा माल, तेरी इज्जत मेरी तरफ से सलामती में रहेगी, तेरी जान को मेरी तरफ से सलामती मिलेगी, तेरे माल को मेरी तरफ से सलामती मिलेगी, तेरी इज्जत मेरी तरफ से सलामत रहेगी। ना तेरी जान पे हमला करूंगा, ना तेरे माल पे हमला करूंगा, ना तेरी इज्जत पे हमला करूंगा। ये जो इतना सलाम कदम कदम पे, यानी सलाम की ये ताकीद है। फरमाया कि दो बंदे जा रहे हैं, रास्ते में दरख्त आ गया, एक इधर से गुजर गया, एक इधर से गुजर गया, ये जब दोनों यूं गुजर के मिले फिर सलाम करें, जब ये दोनों गुजर के मिले फिर सलाम करें। हालांकि दरख्त दरमियान में आया तो कोई हफ्ता थोड़ी गुजर गया, उसमें जस्ट थोड़ा सा फासला हुआ कि पिलर दरमियान में आ गया, दरख्त दरमियान में आ गया, दोबारा सलाम करे, दोबारा उसे यकीन दहानी करा दे, तेरी जान, माल, इज्जत मेरी तरफ से सलामती मिले। ये है जैसे हम कहते हैं ना, दीन इस्लाम ये सलामती का दीन है। ये सलामती ये है कि ज़मान के ऊपर सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ अल्लाह ताला ने जारी किया है वो सलामती का लफ्ज़। एक बामल मुसलमान जो है, बामल मुसलमान, उसकी ज़बान पे दो लफ्ज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, दो। नंबर एक, बिस्मिल्लाह शरीफ। ऐसा ही कोई भी काम करेंगे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सुबह से शाम तक 70 काम करें, बिस्मिल्लाह पढ़ने का होगा। आप बिस्तर सीधा करना है, बिस्तर बिछाना है, कपड़े पहनने हैं, पानी पीना है, खाना खाना है, आपने कुछ शय उठानी है, इत्र लगाना है, कुछ भी करना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े। हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का होगा। बिस्मिल्लाह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत ज्यादा मेहरबान और बहुत ज्यादा रहमत वाला है। तो गया मुसलमान की जबान पे जारी क्या किया? रहमान और रहीम। रहमत का तज़किरा कि अपने उस रब को जहन में रखें, उस रब की याद जहन में रखें जो रहमान है, जो रहीम है, जो रहमत वाला है, जो मेहरबानी वाला है, जो करम नवाजी वाला है, जो फजल वाला है। और दूसरे नंबर पे ज़बान पे क्या जारी किया कि जब किसी से मिले तो सलाम करें, ताकि ज़बान पे सलामती 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 जारी रहे। तो जो दो अल्फाज मैक्सिमम ज़बान के ऊपर आते हैं, मैक्सिमम ज़बान पे आते हैं, उनमें एक में सलामती है, एक में रहमत है। तो अल्लाह ताला ने किस हिकमत से ये ज़बानों के ऊपर जारी की? क्या इसलिए कि ज़बान पे तो रहमत का लफ्ज़ आए लेकिन हाथ जुल्म करें, ज़बान पे सलामती का लफ्ज़ आए लेकिन हाथ जो है वो जुल्म के आदी हों, वो तकलीफ़ पहुँचाने के आदी हों, वो दुख देने वाले हों, वो परेशान करने वाले हों, वो ईज़ा देने वाले हों, वो दिल शिकनी करने वाले हों, वो तकलीफ़ में डालने वाले हों, वो दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हों, वो दूसरे को ज़ख्मी करने वाले हों। तो ज़बान के ऊपर इतना जारी करने के बाद भी अगर हमारी सोच में ना सलामती आए, ना हमारी सोच में रहमत आए, ना हमारे अमल में सलामती आए, ना हमारे अमल में रहमत आए, ना हमारी ज़िंदगी की बुनियाद सलामती, अमन और रहमत पे हो, तो फिर इन अल्फाज का विर्द जो है वो महज विर्द रह गया। और सलामती और रहमत ये बंदों के लिए है, अल्लाह के लिए तो नहीं। हमने सलामती अगर देनी है किसी को, बंदों को दे। हमने अगर मेहरबानी करनी है, बंदों के साथ करनी। तो ये हुकूकुल इबाद का वो चैप्टर था कि अल्लाह ताला ने जिसे इतनी कसरत के साथ हमारी ज़िंदगी में शामिल कर दिया, ताकि बंदा जो है इसे बार 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 जो है वो दोहराता रहे और उसकी जहन और उसकी सोच और उसके लाशऊर के अंदर ये सलामती वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बैठता रहे। अम्मा बाप के साथ अच्छा सलूक करने की भी तफसील अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमा दी, और उस तकसीम को और उस तफसीर को कहाँ तक बयान फरमाया। फरमाया कि माँ बाप के सामने जो मेहरबानी है, एक तो यह है वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके सामने आजजी का बाजू नरमी के साथ बिछा के रखना। वालिदैन के सामने आजजी का बाजू मेहरबानी के साथ बिछा के रखना। इसे अगर हम अपने सिंपल अल्फाज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अपने वालिदैन के सामने बिछे बिछे रहना, अपने वालिदैन के सामने बिछे बिछे रहना, अकड़ना नहीं, उकताना नहीं, ज़बान दराज़ी नहीं करनी, मुकाबले में खड़ा नहीं होना, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करनी, बल्कि आजसी का बाजू बिछा के रखना है, उनके सामने पीछे पीछे रहना है। और उनके सामने जो गुफ्तगू करनी है, अगर उनकी बात पे नापसंद हो तो फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़िन, अपनी ज़बान से उफ तक ना कहना, इतना लफ्ज़ भी नहीं बोलना, ओह ये क्या, इतना भी नहीं बोलना। इतना अदब बादशाह का नहीं है जितना माँ बाप, इतनी इताद बादशाह का हुक्म नहीं करने की जितनी माँ बाप के करने की। और इसके साथ साथ अब माँ बाप के लिए दुआ करनी। फरमाए वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए मेरे रब मेरे माँ बाप पे ऐसे मेहरबानी कर जैसे इन्होंने बचपन में मुझे पाला था। बचपन में कैसे पाला था कि लम्हा लम्हा मेरे ऊपर मेहरबानियाँ की थी। ऐसे बच्चा जो है माँ बाप के हवाले होता है तो लम्हा लम्हा उसकी केयर की ज़रूरत है। अगर इधर किचन में जाना है तो नज़र बच्चे के ऊपर भी रखनी, या तो कैरिंग कॉट उठा के साथ में ले जाए तो बच्चा पास हो, और या हर 2 मिनट के बाद चक्कर मारना कि बच्चा ठीक है। रात को बच्चा 10 मरतबा उठे, माँ को उठना ही है, माँ ये नहीं कह सकती कि सॉरी आई एम स्लीपिंग। तो जैसे लम्हा लम्हा माँ बाप की मेहरबानी बच्चे पे है, अब रब की बारगाह में दुआ करनी है कि मौला मेरे माँ बाप पे भी ऐसे रहम कर, इन पे भी ऐसी मेहरबानी। ये है अल्लाह की बारगाह में दुआ, और यह है उनके सामने गुफ्तगू करने का अंदाज। और उसके साथ कुरान मजीद में फरमाया अनिश्कुरली वाली वालिदैक, ए बंदे मेरा भी शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। कुरान की आयत है सूरह लुकमान। मेरा भी शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। उसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ रब का शुक्र अदा करना है और उसके साथ जो शुक्र का मर्तबा है वो माँ बाप का है। तो बुजुर्गों ने फरमाया कि जो 5 नमाजें पढ़ता है वो रब का शुक्र अदा करता है और जो हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ करता है वो माँ बाप का शुक्रिया अदा करता है। तो तरीका ये कि 5 नमाजें पढ़े ताकि रब का शुक्र अदा हो और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ करे ताकि माँ बाप का शुक्रिया अदा हो। तो ये है वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। दूसरे नंबर पे फरमाए वबिजिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। रिश्तेदारों से मुराद कि जिनके साथ कराबत का ताल्लुक है, रिश्ते का ताल्लुक है, यूँ कह लें कि जिसके साथ खूनी रिश्ता बनता है, ये जिल कुर्बा है। फरमाए उनके साथ अच्छा सलूक करो। अब रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना क्या है? एक तो यह है कि उनसे कतई ताल्लुक ही ना की जाए, ताल्लुक ना तोड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा आ गया तो गरीब रिश्तेदारों को छोड़ दूं। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी थोड़ी सी पर्सनैलिटी बन गई है तो मैं अपने रिश्तेदारों को भूल जाऊं, उनसे मिलना जुलना तर्क कर दूं। नहीं, फरमाया सिल मन कताअका वआति मन हरमका वाफ़ु अम्मन ज़लमका। फरमाया कि जो तुझसे रिश्ता तोड़े तो उसे जोड़, जो तुझसे रिश्ता तोड़े तो उसे जोड़, जो तुझ पे जुल्म करे तो उसे मुआफ कर दे, और जो तुझे महरूम रखे तो उसको अता कर। हमारे दीन की तालीम ये है, ये नहीं है कि फुला मौके पे इसने ज्यादती की थी हम बदला लेंगे, फुला मौके पे इसने हमारी मदद नहीं की थी, आज वो मोहताज हम इसकी मदद नहीं करेंगे क्योंकि इसने हमारी मदद नहीं की थी। ये हमसे नहीं मिलता तो हम भी नहीं मिलेंगे, ये हमसे ताल्लुक नहीं रखता तो हम भी नहीं ताल्लुक रखेंगे, ये हमसे सलाम नहीं लेता तो हम भी सलाम नहीं लेंगे। नहीं, फरमाया सिल मन कताअक वआति मन हरमक वाफ़ु अम्मन ज़लमक, कि जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तो उसे जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसे अता कर, और जो तुझ पे जुल्म करे तो उसे मुआफ़ कर दे। और हदीस मुबारक में फरमाया कि मन कताअ कताअहु अल्लाह, जो रिश्ता तोड़ेगा खुदा उसका जन्नत से ताल्लुक तोड़ देगा। फूफी से नाराज़गी है, चचा से नाराज़गी है, मामू से नाराज़गी है, खाला से नाराज़गी है, भाई आपस में नाराज़ बैठे हुए, ताल्लुक नहीं है, रिश्ता नाता नहीं है, मिलना मिलाना नहीं है, जीना मरना ख़त्म है। फरमाया कि जो ताल्लुक तोड़ेगा खुदा उसका ताल्लुक जन्नत से तोड़ दे। और फरमाया मन वसला वसलाहुल्लाह, और जो ताल्लुक जोड़ेगा अल्लाह उसे जन्नत से जोड़ देगा। तो जो जहाँ ताल्लुकात टूटे हों वहाँ जोड़े जाएँ। कुरान मजीद की आयत मुबारक है, फरमाया वस्सुल्हु खैर, और सुलह सबसे बेहतर है। लड़ाई बेहतर नहीं, नाराज़गी बेहतर नहीं। फरमाया वस्सुल्हु खैर, सुलह सबसे बेहतर है। कता ताल्लुक रिश्तेदारों के साथ ऐसा बड़ा गुनाह है कि शबे बरात को अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को बख्श देता है, जिन 2-3 की बख्शिश नहीं फरमाता उसमें वो बंदा शामिल है जो रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ता है, जो रिश्तेदारों से नाराज। और रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक का फ़ायदा क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी दराज हो, ज़िंदगी लंबी हो जाए और उसके रिस्क के अंदर बरकतें हो जाएं, ज़िंदगी दराज और रिस्क में बरकतें हो जाएं, उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। ये हदीस मुबारक नबी पाक अलैहिस्सलाम की ऐसी हर हदीस ही सच्ची है, हर हदीस सरकार की सच्ची है, एक एक लफ्ज़ सच्चा है। लेकिन ये हदीस ऐसी मुजर्रब हदीस है, ऐसी मुजर्रब है कि जो बंदा इस पे अमल करे उसकी उम्र में भी बरकत हो जाती है, उसका माल भी बढ़ जाता है। तीसरी बात फरमाई वबिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छा बर्ताव करो। यतीम कि जिसका बाप फौत हो गया, उसके साथ अच्छा सलूक करो। और उसके साथ अच्छे सलूक की फजीलत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी यतीम की कफालत करता है, उसके अखराजात और उसके मुआमलात की देखभाल करता है, फरमाया क़यामत के दिन वो और मैं इस तरह होंगे जैसे 2 उंगलियां आपस में मिली और मैं ऐसे हूँ इकट्ठे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बंदा होगा जो किसी यतीम की कफालत करने वाला। और फरमाया कि जिसे अपने दिल की सख्ती की शिकायत हो तो यतीम के सर पे हाथ फेरे, अल्लाह ताला उसका दिल नरम कर दे। और फरमाया जो किसी यतीम के सर पे हाथ फेरता है हर हर बाल के बदले अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाता। तो यह है यतीमों का ख्याल करना, देखभाल करना। अब रिश्तेदारों में है, वो मोहल्ले में है, या नहीं जानने वाला नहीं है तो बहरहाल ऐसे अफराद की तो कमी नहीं है, तो ऐसी जगहों के ऊपर खर्च किया जाए। और इस खर्च करने के अंदर उनके अखराजात भी हैं, उनकी तालीम भी है, उनकी तरबियत भी है, उनके साथ अच्छा बर्ताव भी है, उन्हें शफकत और मोहब्बत भी देनी है, जो एहसास महरूमी है वो भी उनका दूर करना है, उसको भी कुछ ना कुछ कवर अप करने की कोशिश करनी है। तो यतीमों की जो देखभाल है वो माली भी हो और फिजिकल भी हो। माली का मतलब तो ये है कि पैसे दे दिए, फिजिकल का मतलब ये है कि खुद थोड़ा सा वक्त दें, कुछ वक्त दिया, कुछ प्यार मोहब्बत का सलूक किया, कुछ अपनाइत का माहौल दिया, कुछ ऐसी शफकत दिखाई कि उनके दिल का जो है वो एक ढारस बंधे और एक दिल का सहारा बने। फरमाया यतीमों के साथ अच्छा सलूक करो। इसके बाद फरमाया वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो, जो गरीब हैं, मोहताज हैं, जिनके पास गुजारे के पैसे नहीं, गुजारा के अखराजात नहीं है जिनके पास। और इन लोगों की कम से कम आज के ज़माने में तो कोई कमी नहीं, जो लोगों का हाल हो चुका है मेरे ख्याल में हर बंदा जानता है कि लोग कितने परेशान, कितनी तकलीफ़ में, कितनी आजमाइश में हैं। घर के गुजारे किस तरीके से है, ना बिजली का बिल दे सकते, ना गैस का बिल दे सकते, ना बच्चों के स्कूल की फ़ीस दे सकते, ना डॉक्टर की फ़ीस दे सकते हैं, ना घर का चूल्हा सही तरीके से जल रहा है। इस कदर तकलीफ दे हालात है कि बंदा ज़्यादा थोड़ा सा देखने चला तो शायद अपने दिल का मसला बन जाए, इतने तकलीफ दे हालात। तो अब ऐसी जगह पे खर्च करना, मिस्कीनों पे खर्च करना, मोहताजों पे खर्च करना, ये ऐसा अमल है कि कुरान मजीद की शायद 100 से ज़्यादा आयतें ऐसी हैं जिनके अंदर मोहताजों, मिस्कीनों और फ़कीरों पे खर्च करने का फरमाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मिस्कीनों और बेवाओं के लिए अखराजात की कोशिश करता है, कि उनके लिए भाग दौड़ करता है, लोगों से लेके करता है, फरमाया कि वो ऐसा है जैसे अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। जैसे मुजाहिद फी सबीलिल्लाह को सवाब मिलता है, गरीबों, मिस्कीनों और बेवाओं के लिए कोशिश करने वाले को अल्लाह ताला ऐसा सवाब अता फरमाता। तो यह है इनके ऊपर खर्च करने का सवाब। तो लिहाजा यतीमों, मिस्कीनों के ऊपर खर्च किया जाए, जहाँ पर कुछ दे सकते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ दिया जाए। उसके बाद अगली बात जो फरमाया वल जार जिल कुर्बा वल जारिल जुनूबी, जो करीब का पड़ोसी है और जो दूर का पड़ोसी है दोनों के साथ अच्छा सलूक करो। करीब का पड़ोसी के जो साथ, जिसकी दीवार साथ में मिली हुई, दूर का पड़ोसी के जो थोड़ा सा हटके है, जिसकी दीवार साथ नहीं। और मैं दोनों तरह के पड़ोसियों से अच्छा सलूक करूँ। और कितना अच्छा सलूक, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन ने मुझे पड़ोसियों के बारे में इतनी मरतबा ताकीद की कि पड़ोसियों का ख्याल करना, इतना कहा कि मुझे लगा कि पड़ोसियों को शायद विरासत के अंदर हिस्सेदार बना दिया जाएगा, पड़ोसियों को विरासत में हिस्सेदार बना दिया जाएगा, इतनी ताकीद। और एक और हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता है, फरमाया कि वो मेहमान की इज्जत करे और पड़ोसियों को तकलीफ ना दे। जो अल्लाह पर आखिरत में ईमान रखता है पड़ोसियों को तकलीफ ना दे। और एक दूसरी हदीस मुबारक में फरमाया कि वो शख्स बर्बाद हो गया कि जिसके शर से उसके पड़ोसी महफूज नहीं, जिसके शर से उसके पड़ोसी महफूज नहीं। तो अब पड़ोसियों के मामला के अंदर हम देख लें कि कहाँ पर किसी भी वजह से उनको तकलीफ हो सकती है। बहुत सारे पहलू होते हैं, किसी के घर के सामने कचरा डाल दिया, गाड़ी खड़ी कर दी, या जो है कोई और शोर शराबा कर दिया, या जो है उनके साथ कोई और बुरा सलूक कर दिया, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ाई झगड़ा कर दिया। तो ये हाल है लोगों का कि पड़ोस का वो हक है जिसके बारे में फरमाया कि बदतरीन शख्स वो है कि जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज है। और फिर करीब का और दूर का दोनों फरमाया, बल्कि अब तीसरा सुनिए, फरमाया वह साहिबी बिल जम, इसके दो माना है। साहिबी बिल जम, पहलू का साथी, इसका एक माना यह है कि एक तो पड़ोसी होता है ना, कि मुस्तकिल एक दूसरे के करीब रहते हैं। एक ये है कि बाय चांस दो शख्स एक दूसरे के करीब बैठ गए, जैसे आप बैठे हुए, आप एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के पहलू में बैठे ना, ये उसके पहलू में, उसके पहलू में, उसके पहलू में। कुरान पाक के अल्फाज व साहिब बिल जंब से ये मुराद है कि जो आपके पहलू में आके बैठ गया, फरमाया उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। पड़ोसी जो मुस्तकिल हम साया है उसका तो मामला जुदा है। फरमाया कि जो तुम्हारे पास में पहलू में आके बैठ गया, 5 मिनट के लिए किसी क्लिनिक पे गए, आपके साथ आके बंदा बैठ गया, किसी जगह पे गए, लाइन लगी हुई है, वहां पर जो आपके आगे पीछे खड़े हैं, या किसी और वेटिंग एरिया के अंदर बैठे और वहां पर कोई बंदा आपके पास आके बैठ गया, या किसी, या मस्जिद में गए वहां पर आपके साथ कोई बंदा बैठा होता है, या किसी महफिल इज्तिमा में आए वहां पर आपके साथ कोई बैठा हुआ, यह है वह साहिब बिल जंबी, पहलू का साथी। और मैं इसके साथ भी अच्छा सलूक करूँ, इसके साथ भी अच्छा सलूक। इसका मतलब ये हुआ कि जहां मामूली सा मौका भी मिले वहां भी अच्छा सलूक करना, इससे बढ़ के हुकूकुल इबाद क्या होगा। अच्छा, फिर इसके साथ दूसरों का ख्याल करने के अंदर यह है कि जो बाद में आया वो बकिया की गर्दनें फलांगता हुआ आगे ना जाए। इसको ठुड्डा मारा, उसको लात मारी, इसको घुटना मारा, उसको हाथ मारा, उसके हाथ पे पांव रखा, उसके घुटने को ठोकर लगा दी, और ये टकराते हुए बैल की तरह आगे जा रहा है, ऐसा नहीं। वो साहिब बिल जंब, जो पहलू का साथी, उसका भी ख्याल कर। तो जो आदाब महफिल हैं, जो आदाब जिंदगी हैं, उनका ख्याल करना। मैं कुरान की शायद इस वक्त आपको 20 आयतें पढ़ के सुना सकता हूँ जिसमें इन्हीं आदाब का बयान है। तो वसाहिब बिल जंब, पहलू का साथ। और इसका दूसरा तर्जमा, इसका दूसरा तर्जमा है कि अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। वसाहिब बिल जंब, पहलू के साथी से मुराद है बीवी, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अब बीवी के साथ अच्छे सलूक करने की आयतें बहुत है कुरान पाक में। फरमाया वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारो, अच्छे अंदाज में मुआशरत करो, और उनको तकलीफ ना पहुंचाओ कि उनके ऊपर तुम तंगी कर दो, तुम्हें रिश्तेदारों से मिलने नहीं देना, तुम्हें माँ बाप से मिलने नहीं देना, तुम्हें खानदान से मिलने नहीं देना, तुम्हें सबसे काट के रख देना है, बस इसी घर में रहो, 24 घंटे खिदमत। रात के 13 बजे भी चाय का बोलूंगा तो चाय बन के आएगी, मेरे आने के ऊपर ये करना है, वो करना है। तो बीवी जो है वो रोबोट बन गई, लिविंग रोबोट, जिंदा रोबोट है, तो उसकी अपनी जिंदगी कोई नहीं। तो बीवी के साथ अच्छा सलूक करना फराइज में से है, फर्ज, कुरान की आयत है। फरमाया इमसाकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बिहसान, या अच्छे तरीके से रखो या अच्छे तरीके से छोड़ दो। ये नहीं है कि लटका के रखो, तुम ऐसे छोड़ दो कि लटकी हुई है, ना उसके तुम खाने का ख्याल करो, ना उसके लिबास का ख्याल करो, ना उसके मिलने मिलाने का ख्याल करो। बंदा खुद आवारा गर्दी सारा कुछ करता रहे, बीवी को माँ बाप से बात करने से भी रोक के रख दे कि लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो जो हमारे मुआशरे में औरतों पे जुल्म है, बीवियों पे जुल्म है, ज्यादती औरतों की तरफ से भी होती है बाज़ औक़ात, लेकिन मोस्टली जो जुल्म है वो बीवियों में होता है। हम दारुल फ़तवा में बैठते हैं, हमारे पास लोग फतावा पूछने आते हैं, मसले पूछने आते हैं, तो हमें केसेस का पता है। और जितने भी ये ख़ानदानों के अफराद होंगे, मेरे ख्याल में जो कम्युनिटी के बड़े होंगे, इनके ऑफिस होते हैं, वहां जो बैठने वाले, इनको पता है जब केसेस आते हैं किसका कसूर ज्यादा होता है। 10% भी शायद बीवी का कसूर हो, 90% शोहरों का कसूर हो। और वो जो 10% कसूर होता भी है, उसमें हमारे दीन ने क्या फरमाया? हमारा दीन फरमाता है कि उसकी फितरत के अंदर कुछ कजी है, लिहाजा नरम सलूक करो, प्यार मोहब्बत का सलूक करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने विसाल मुबारक से पहले आखिरी वसीयत फरमाई थी, आखिरी, उसमें फरमाया था कि बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। और फरमाया तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है, और फिर फरमाया कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ बेहतर, कि अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करो। फिर फरमाया कि बीवियों की इज्जत नहीं करता मगर इज्जत वाला, और बीवियों की बेइज्जती नहीं करता मगर कमीना आदमी। ये हदीस है, बीवियों की इज्जत नहीं करता मगर इज्जत वाला, और करीम, शरीफ, और बीवियों की बेइज्जती नहीं करता मगर कमीना आदमी, इल्ला लईम। मेरे ख्याल में ये लईम सिफत वाले पता नहीं कितने होंगे। छोटी छोटी बात में झाड़ देना, डांट देना, बुरा भला कह देना, रिश्तेदारों के सामने, बच्चों के सामने, दूसरों के सामने, ये आम आदत। तो ये जो घटियापन और ये जो मिजाज की खराबियां हैं और ये जो हुकूकुल इबाद की बर्बादियां हैं, इसका भी क़यामत के दिन हिसाब देना है। बीवी मरफूल कलम नहीं है कि उसके साथ जो मर्जी करते इसका हिसाब ही नहीं होना, इसका भी हिसाब होना। किसी बंदे ने कहा था कि यार जितने अच्छे तरीके से अपने कस्टमर से बात करते हो, अगर इतने अच्छे तरीके से बीवी से बात करो ना, पूरी जिंदगी लड़ाई नहीं हो। और ये हकीकत है कि हम कस्टमर आता है तो जो हमारे ऊपर अखलाक का बादल बरसता है, जो हमारी मूँछों से हंसी निकलती है और जो हमारे दांत खिलखिलाते हैं और जो हम जनाब वारी वारी जाते हैं, इतना वारी वारी घर में चले जाएं, पूरी ज़िंदगी जनाब वो आपकी ऐसी खिदमत करेगी, याद करोगे आप। कस्टमर जितना तो बीवी को ट्रीट कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। फरमाया वसाहिबी बिल जम, बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। उसके बाद फरमाया कि मुसाफिर के साथ, कोई अजनबी है, कोई मुसाफिर है, पैसे ख़त्म हो गए या चोरी हो गए तो उसकी मदद कर दो। और वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करो। आज के ज़माने में गुलाम नहीं है लेकिन मुलाजिम होते हैं, तो मुलाजिम के साथ अच्छा सलूक करें। मुलाजिम से ये तवक्को करना कि जनाब मेरे स्टेटस के मुताबिक ही हर काम करे, तो भाई आपके स्टेटस के मुताबिक हर काम करता तो आपकी सीट पे ना बैठा होता। अगर वही सारे मैनर्स और वही सारी चीज़ें और वो सब कुछ उसको भी आता होता जो आपको आता है, तो भाई आपकी जगह वो भी सीट पर बैठ जाता। उसको नहीं आता तभी तो वो मुलाजिम है। तो लिहाजा उससे वो तवक्कुआत रखना कि जो तवक्कुआत आप समझ रहे हैं कि मैं किसी 5 स्टार और 7 स्टार होटल के सारी मैनेजमेंट से रखूंगा, ये नहीं हो सकता। और उसमें भी खास तौर पे अगर हमारे मुल्क के अंदर, कि जहां तरबियत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, तालीम तो इतनी सी है ही है, तरबियत तो इतनी भी नहीं है, और वहाँ ये तवक्को रखना कि 5 स्टार हमें जनाब ये सर्विस दे, ऐसा नहीं होता। तो उनके साथ अच्छा सलूक करो। गुलामों के बारे में फरमाया कि उनकी खताएं मुआफ़ करो। पूछा गया कितनी मरतबा? फरमाया एक दिन में 70 मरतबा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत करते थे हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 10 साल खिदमत की। फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 10 साल में एक मरतबा भी डांटा नहीं, 10 साल, हालांकि छोटे से बच्चे थे। यह है सलूक, यह है नरमी, यह है शफकत, यह है सुन्नत, यह है तरीका, यह है हमारा दीन, यह है इस्लाम, यह हमारा कुरान, यह हमारे दीन की तालीम। अगर इन तालीमात पे अमल करेंगे तो हुकूकुल्लाह भी अदा हो जाएंगे और हुकूकुल इबाद भी अदा हो जाएंगे, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।